2024 में प्रधानमंत्री किससे बनना चाहिए? मैम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? आशा जोशी। कहाँ से हैं मैम? बांसवाड़ा से। अच्छा मैम, क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? पीएम मोदी को बनना चाहिए। मोदी जी को ही क्यों? मोदी जी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जैसे आपको क्या वर्क मोदी जी के अच्छे लगे? सब अच्छा लगा है, कोई उनमें बेईमानी नहीं है, सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस बार तो कह रहे हैं कि चेंजमेंट आने के आसार हैं। आसार नहीं, हम तो दिल से उन्हीं को चाहते हैं। मोदी जी पे इतना विलीप क्यों महिलाओं का बढ़ता जा रहा है? मोदी जी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री, आज दिन तक मैंने 60 साल की उम्र में पहली बार ऐसा मंत्री देखा है। कांग्रेस में आपको नहीं दिखता कि कांग्रेस में कोई अच्छा नहीं, सब बेईमान लोग हैं। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बिल्कुल काम का ही नहीं, पप्पू। अच्छा चलिए मैम से बात करें। मैम आप? हम उदयपुर से। उदयपुर राजस्थान से हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अभी फिर से इलेक्शन होने वाले हैं 23 में। जाने वाले हैं गहलोत जी, जाने वाले हैं। बस गहलोत जी जाने वाले हैं। 24 में कौन आने वाला है? 24 में हमारे बीजेपी आएगी। मोदी जी? हाँ मोदी जी तो आने ही हैं सेंट्रल में, हम तो हमारे स्टेट की भी कह रहे हैं साथ में। अच्छा सेंट्रल में मोदी जी के अलावा और कोई विकल्प आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? बस नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि आज अभी तो हम जब भी देख रहे हैं तो मोदी जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प किसी भी विपक्ष में हमको नज़र नहीं आ रहा है। राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, कर्नाटक भी चुनाव भी जीत गई कांग्रेस, उसके पहले हिमाचल प्रदेश भी जीत गई, और कह रहे हैं मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी हो गई, जनता त्राहिमाम कर चुकी है, महिलाएं बिल्कुल सोच जब किचन में घुसती हैं तो सोचती हैं कितनी जल्दी 24 आए, चुनाव आए और सरकार बदले। नहीं सरकार तो बदलने वाली नहीं है, इलेक्शन जरूर होंगे, सरकार नहीं बदलेगी। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वत्सला शर्मा है। आप किस क्लास में? मैं 10th में हूँ। कितनी एज होगी आपकी? 14। अच्छा 14। क्या लगता है मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? एक्चुअली आई फील लाइक कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आई फील लाइक कि उन्हें ही मतलब अगला प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अच्छा आपको क्यों लगता है कि मोदी जी ही प्रधान? क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे और दूसरी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है। आप यंग हैं, आप अपने कॉलेज में भी जाती होंगी, स्कूल में जाती हैं, ठीक है, तो स्कूल में आपको क्या ऐसा लगा कि मतलब कि मोदी जी के बारे में कि जिस वजह से लगता है आपको 24 में फिर से बनना चाहिए? मतलब जैसे बीजेपी की जब वो थी सरकार तब उन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा दूसरे मतलब ऐसे बुक्स वगैरह को लेके और बहुत ज़्यादा ऐसे डेवलपमेंट लाया था और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स जैसे अभी बीच में एक निकली थी संस्कृत की जिसमें मैथ्स में सिर्फ संस्कृत के वो लिखे हुए थे, तो उससे हमें अपने कल्चर के बारे में और ज़्यादा पता पड़ता है और हम अपने कल्चर से थोड़ा और क्लोज जाते हैं और इसके कारण आई फील लाइक कि मोदी जी शुड बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आपको लगता है कि कल्चर और एजुकेशन को लेकर के मोदी सरकार ने काम किया? यप। अच्छा कल्चर को जानना कितना जरूरी है? कल्चर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही जो वही चीज़ है जो हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है प्लस वही चीज़ है जो हमें बनाता है। बेसिकली कल्चर के बारे में जानना इज़ अ मस्ट थिंग, जानना ही चाहिए। अभी जैसे राहुल गांधी भी कहा जाता है यंग हैं और नौजवान हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जाती है, उसके बाद ममता बनर्जी हो गई, प्रियंका गांधी यंग फेस हैं, उसके बाद नीतीश कुमार हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, इतने सारे ऑप्शनों में आपको कोई और नहीं समझ आता? नो कमेंट्स ऑन दैट। नहीं समझ आता उनमें तो, लाइक आई फील लाइक मोदी जी शुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी के अगर आपसे 3 काम पूछे जाएं तो कौन से आपको अच्छे लगे कि जिसकी वजह से मोदी जी फिर? हाँ हिंदू राष्ट्र के बारे में और फिर उन्होंने अभी बीच में आरक्षण से रिलेटेड भी काम किया था, तो वो सब चीज़ें क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरे को यह लगता है कि बर्थ से हर एक इंसान इक्वल होता है बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तब हम जैसे अकेडमिक्स के ऊपर काम करते हैं, पढ़ाई के ऊपर, तो उस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट होता है, हम दूसरे लोगों से और बढ़ते हैं। जैसे अगर कोई कम पढ़ रहा है तो वो लोअर माना जाएगा और जो ज़्यादा पढ़ रहा है वो मतलब थोड़ा से, तो उस हिसाब से इक्वालिटी इज़ जस्ट अ फैंटेसी टू पीपल, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया मोदी जी ने इन सब आरक्षण वगैरह को हटा के। आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, आप तो यंग हैं, आपको हिंदू राष्ट्र की क्यों ज़रूरत है और हिंदू राष्ट्र पे क्यों ऐसा लगता है चीज़ें होनी चाहिए? वेल इसका एक स्पेसिफिक मैं आंसर नहीं दे पाऊँगी बट आई फील लाइक कि बोलो मैम आपने क्यों कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात? भाई हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसमें क्या है, चारों तरफ दंगे हो रहे हैं दुनिया भर के,
कोई मतलब कोई ऐसा बचाने वाला नहीं हमको। हम सोचते हैं कि हमको मोदी जी ही बचा सकते हैं, योगी जी ही बचा सकते हैं और वही हिंदू राष्ट्र फिर से स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, मोदी जी का जब नाम लिया जाता है तो योगी जी का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। योगी जी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको वो देख के बड़ी खुशी होती है। ऐसा ही कोई मतलब हमारे यहाँ भी राजस्थान में भी ऐसा ही कोई मंत्री आना चाहिए जो राजस्थान के लोग भी योगी की मांग कर रहे हैं। और गहलोत जी को तो इस बार आने ही नहीं देना है हमें, हमारी पूरी ताकत लगा देंगे पर उनको नहीं आने देंगे। गहलोत जी से तो कहते हैं बड़ा काम किए हैं युवाओं के लिए, कुछ थोड़ी किया है उन्होंने। हम तो हिंदू हैं, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं करते, जितना भी करते हैं मोवेडन के लिए करते हैं वो काम। ये तुष्टिकरण तो कहते हैं बीजेपी वाले करते हैं। नहीं, कोई बीजेपी वाला सब बस बेस्ट काम कर रहा है। बीजेपी तो बहुत बढ़िया काम कर रही थी, बीजेपी को ही आना चाहिए हमारी। आपको क्या लगता है का गहलोत सरकार में ऐसे कौन से काम हुए जिसको आपको लगता है कि एक तरफा काम कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, मुस्लिमों को वो सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, मंदिरों में वो चढ़ने नहीं देते हैं। जयपुर में मंदिर को उन्होंने ऊपर, मंदिर के ऊपर उन्होंने मस्जिद बना दी, नीचे का लक्ष्मी नारायण मंदिर था उसको उन्होंने बंद करवा दिया लोगों को दर्शन के लिए, कहीं जगह तोड़ दिया मंदिर की, मतलब दीवारें तोड़ दिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे कि हिंदू उनसे नाराज है। क्या लगता है हिंदू रिलीजन को दबाने की कोशिश राजस्थान में लगा? बिल्कुल, हिंदू रिलीजन को दबाते हैं और मुसलमानों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग। तो इस वजह से योगी जी की मांग और मोदी जी के, योगी जी और मोदी जी जैसा हमारे यहाँ भी सीएम आना चाहिए राजस्थान में। अच्छा, मोदी जी तो मतलब कि कहते हैं वो भी एक तरफा काम कर रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए करते हैं, मतलब मंदिर जाते हैं, केदारनाथ चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, तो वो भी तो एक तरफा काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं भाई, हिंदुस्तान है तो वही करेंगे ना। आज दिन तक 70 साल में किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो मोदी जी कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी ने 3 तलाक का जो सिस्टम निकाला था तो ऑल जो मुस्लिम के लेडीज़ थी सभी खुश है। ऐसा कुछ नहीं है मोदी जी के, स्पेशली हिंदू राष्ट्र को करना चाहते हैं ये नहीं है। मोदी जी का संकल्प ये सबसे बढ़िया बात ये है कि वो सभी को लेकर के चल रहे हैं। आज हम लोग जहाँ स्टेबिलिटी कर रहे हैं, आप मानिए विदेशों में भी लोग मोदी जी को इतना पसंद कर रहे हैं, कहाँ ज़रूरत थी उन लोगों को, लेकिन वो वहाँ पर भी। अगर हमारे सीएम इंडिया का वहाँ तक जा रहा है और सॉरी पीएम, और हम लोग इतना मतलब हमको अगर एम्पावरमेंट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है। दूसरी बात, आपने एजुकेशन के रिलेटेड बात की, दैट मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था ना उसमें क्या था कि पीछे की तरफ से जो हम पढ़ते थे रटी रटाई बुक्स पढ़े थे, लेकिन उन्होंने अभी जो वर्क मतलब उन्होंने जो सोचा है वो बेरोजगारी के को ख़त्म करने के लिए सोचा है कि स्टूडेंट्स को स्किलफुल वर्क करवाएं। स्किलफुल से ऐसा ये है कि आगे 10th 12th में बच्चा अगर अभी से एजुकेशन के अंदर, अगर किसी के फादर मान लो गैरेज में काम करते तो वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो आदमी उसको कितना सपोर्ट है उस बच्चे को। कोई अगर पॉटरी का वर्क करता है, अगर उस बच्चा उसको मतलब और उस इन सारे उद्योग को अगर बढ़ाएंगे तो हमारे पास में काफ़ी चीज़ें हैं, हैंडमेड चीज़ें, जितना इंडिया करता उतना शायद कोई नहीं करता है। तो ये हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि आज छोटा से छोटा व्यक्ति अगर घर में बैठा है और उसका जो बिज़नेस है वो आउट ऑफ इंडिया तक जा रहा है, तो इसमें बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी है तो हम तो चाहेंगे कि मोदी जी ही आए। मैम, आपने कहा कि जैसे कि ये मतलब कि जब से इंडिया का डंका पूरे विश्व में बज रहा है जब से मोदी जी हैं, तो कांग्रेस तो कहती है ये मोदी जी ने थोड़ी 7 सालों में 8 सालों में आजाद कराया, 70 सालों में हमारी मेहनत है, कांग्रेस की तपस्या है, ये सोने की चिड़िया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मोदी जी ने किया है, राजीव गांधी ने जो कंप्यूटराइजेशन जो लाए थे वो राजीव गांधी जी लाए थे, है ना, बट उसको आगे तक बढ़ाया नहीं गया, लेकिन मोदी जी ने जो आगे उस चीज़ को आगे तक बढ़ाया। अभी अगर आप किसी भी यंग जनरेशन में अगर आप जाएंगे तो आपको मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आप बेंगलोर में देखिए अभी कितना भव्य स्वागत हुआ उनका। इसके अलावा हमारे जितने आसपास के राष्ट्र देश है वो लोग भी मतलब जहां आप मोदी जी जाते हैं वहां पर मतलब एक इंडिया का गर्व सा महसूस होने लगता है। और उनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि मैंने कल ही एक वीडियो में देखा, जो कश्मीर में बच्ची बैठी उसने अपना वीडियो वायरल किया कि मोदी सर हमारे यहाँ पर स्कूल का कुछ भी नहीं है, हम लोग गंदे इसमें बैठते हैं, हम लोग खड्डे में मतलब हम लोगों को पढ़ाई करते हैं, हमारी ड्रेस रेगुलर ख़राब होती है। विदिन 1 मंथ में उस बच्ची का उन्होंने वीडियो सुना और वहाँ पर सारा काम करवा करके दिया। तो और क्या चाहिए, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है मुझे ऐसा बताइए कि जिसने एक बच्ची की बात पर उसने वहाँ जा करके वो काम करवा दिया।
तो हम तो यही चाहते हैं। आप भी राजस्थान से? जी मैं भी राजस्थान। मैम ये कहा जाता है कि 14 में जिस तरीके से मोदी वेव आई थी, अब 24 आते आते पूरी खत्म हो रही है, धीरे धीरे कर्नाटक हो गया, हिमाचल का एक तरीके से इलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन जैसे जैसे आ रहा है तो मोदी वेव वाला सिस्टम खत्म हो रहा है और राहुल गांधी जैसे भारत जोड़ो यात्रा किए हैं तो उसका असर अब नजर आने लगा है। अब मतलब कि मोहब्बत की दुकान खुल रही है, नफरत खत्म हो रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखो हम भी ये नहीं चाहते कि एक तरफा राज हो, कोई तो विपक्ष में भी खड़ा होना चाहिए ना, जिससे हमें अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो विपक्ष वाला भी बोले तो काम क्लियर होता है। देखिए रामायण में अगर राम जी होते ना तो मजा नहीं आता, रावण भी चाहिए साथ में। थैंक यू सो मच। मैम ये आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी कंपटीटर है प्रधानमंत्री फेस के, बन सकते हैं प्रधानमंत्री ऐसा कंपटीटर? नहीं, कंपटीशन में तो वो नहीं है। मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है राहुल गांधी जी के लिए कि उनको है ना अपने चारों ओर के जो आसपास जो उन्होंने घेरा जिन लोगों से बना रखा है उन उस घेरे से बाहर निकले और अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाए और अपने ग्रामेटिकल और वैकबलरी पे काम करे ना तो वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यंग जनरेशन है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, बट हमें जो चाहिए मोदी जी। आपको लगता है कि जैसे उनके साथ में जो चारों तरफ का घेरा रहता है वही उनका एक तरीके से मटिया में लेट कर रहा है? या यस यस, ये दैट इज़ ओनली सजेशन फॉर है ना, हम लोगों का सजेशन है, बट ये है कि हम किसी को नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, गहलोत जी आपकी स्टेट के गहलोत जी ने भी बहुत काम किया, लेकिन हम राजस्थानी तो बहुत स्मार्ट हैं, हम टिकने नहीं देते, हर 5 साल में सरकार चेंज करते हैं। अच्छा मैम ये कहा जाता है महिलाएं तो बड़ा परेशान है गैस सिलेंडर को लेकर के और ये सब चीज़ें, इतनी महंगाई कर दी मोदी राज में कि मतलब तबाह हो गए हैं, अब जल्दी 24 आए बटन दबाया जाए फिर से बने सरकार। कोई बात नहीं, हमने जो भी अगर हम लोगों को गैस से अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हमने सब्सिडी जो दी है वो आगे हमें रिफंड हो रही है, कोई बात नहीं, हमारी जनरेशन तक जाएगी काफ़ी चीज़। और आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी अच्छा, अभी हमें लगता है कि हिंदुओं के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी थोड़ा सा और कुछ करेंगे तो और मजा आए। क्या काम अच्छे लगे आपको मोदी जी का महिलाओं के लिए, कोई काम अगर आपको अच्छा लगा हो? बहुत सारे काम है लेडीज़ के लिए, ऐसा तो है नहीं, मतलब आज लेडीज़ जितने भी आप देखेंगे वर्क ग्रुप उसमें हम लेडीज़ का बहुत ज़्यादा है। जैसे पायलट्स देख लीजिए आप, अभी इतनी सारी भर्तियां हुई, उसके बाद में पुलिस कर्मियों में है, क्रिकेट की टीम में हमारे पास में, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा काम हुआ है। बहुत सारा काम हुआ है मैम, बता रही थी कि जिस तरीके से अब राजस्थान के इलेक्शन आने वाले उसके बाद 24 के इलेक्शन में भी राजस्थानी लोग बड़े स्मार्ट होते हैं और 24 में भी 23 में भी बदलेंगे सरकार को, मोदी जी को फिर से 24 में मौका देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।